वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा एक ऐसी शख्सियत जिसने सचमुच जमीन से अपनी जिंदगी का सफर शुरू करके आसमान की बुलंदियों को छुआ। एक ऐसा शख्स जो कभी राजनेता लगता है तो कभी शिक्षाविद, कभी वो एक समाज सेवक के रूप में दिखाई पड़ता है तो कभी किसानों और गरीबों के हक में खड़ा दिखाई पड़ता है, कभी वो एक आम आदमी के मानिंद एक कॉलेज की लाइब्रेरी में नौकरी करता दिखाई देता है तो कभी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान दिखाई देता है, कभी वो खेतों में बुआई करता नजर आता है और जब शिक्षा से जुड़ी हस्तियों के बीच होता है तो आधुनिक शिक्षा सूचना एवं तकनीक पर धीर गंभीर भाषण उसके मुंह से झड़ते हैं। सचमुच डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के व्यक्तित्व के अनेक रंग हैं जो उन्हें बड़ा भी बनाते हैं और बहुआयामी भी। सड़क से संसद तक के डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के सफर का आगाज 15 मार्च 1943 को उस वक्त हुआ जब देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो की स्वर लहरियां गूंज रही थी। दिल्ली रोहतक रोड पर एक छोटा सा सरहदी गांव है मुंडका। इसी गांव के एक छोटे से घर में चौधरी मीर सिंह अपनी पत्नी भरपाई देवी के साथ रहा करते थे। एक आम भारतीय किसान की तरह उनका जीवन भी दुख और तकलीफों से भरा था। जब डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा का जन्म इस घर में हुआ तो उनके माता पिता ने इसे एक सहज घटना के रूप में ही लिया। उनकी कल्पनाओं में कहीं भी ऐसा नहीं था कि बैलों के पीछे चलने वाले डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के पीछे एक दिन हिंदुस्तान के लाखों लोग चलेंगे। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने अपनी शुरुआती तालीम स्थानीय स्कूलों में ही ली, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में एमएससी की डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रुख किया। इसके बाद किसान परिवार का यह युवक राजधानी के भगत सिंह कॉलेज में लाइब्रेरियन के तौर पर नौकरी करने लगा। किसान परिवार में जन्मे साहिब सिंह के लिए करियर की यह शुरुआत भी किसी उपलब्धि से कम नहीं थी, लेकिन डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के सपने और सरोकार बड़े थे। वो किसानों, मजदूरों और दिल्ली के आवाम के लिए कुछ ठोस करना चाहते थे। भीतर की इसी बेचैनी ने उनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर कर दिया और यहीं से उनके राजनीतिक सफर की बाकायदा शुरुआत हुई। अपनी सोच, सक्रियता और समर्पण के चलते डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने संघ के अति महत्वपूर्ण कहे जाने वाले तृतीय वर्ष को सफल कर दिया। 1977 में सक्रिय राजनीति में उनका पदार्पण उस वक्त हुआ जब वो निगम पार्षद के तौर पर निर्वाचित हुए। 1983 में वो एक बार फिर निगम पार्षद और उसके बाद विधायक चुने गए। संभवतः यहीं से डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने राजनीति के शुरुआती सबक सीखे और यहीं से उन्हें दिल्ली की समस्याओं से वाबस्ता होने का मौका मिला और इस तरह एक शिक्षाविद का एक राजनेता के रूप में कायाकल्प आकार लेने लगा। देखते ही देखते डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के शिक्षा मंत्री के पद तक जा पहुंचे। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक ऐसे अहम फैसले किए
जिनसे राजधानी की शैक्षणिक तस्वीर मुकम्मल दिखाई देने लगी। दिल्ली की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की स्थापना, 150 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण, देश भर में बाल आश्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए 250 जिलों में लगभग 10,000 विशेष स्कूलों का निर्माण, दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए 12वीं कक्षा तक की निशुल्क शिक्षा दिलाने जैसे अहम कामों का श्रेय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को जाता है। जहां और भी हैं कि तर्ज पर डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के लिए और भी मकाम थे जिन्हें तय करना था। 26 फरवरी 1996 के दिन डॉक्टर साहब सिंह वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। अपने इस छोटे से कार्यकाल में डॉक्टर साहब सिंह वर्मा ने लोकप्रियता की बुलंदियों को छू लिया। गांवों और शहर की रोजमर्रा की जिंदगी की जिद्दोजहद व जटिलताओं की उनकी समझ यहां काम आई और उन्होंने दिल्ली को आधुनिकता का जामा पहनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दिल्ली के भविष्य की जो आधारशिला रखी उसने दिल्ली को विश्व स्तरीय आधुनिक शहर बनाने का रास्ता खोला। मेट्रो ट्रेन को अमली जामा पहनाने के लिए ई श्रीधरन की नियुक्ति उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम थी। इसके अलावा रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र, धौलाकुआं तथा आश्रम चौक पर फ्लाईओवर्स के निर्माण के अलावा निजामुद्दीन स्थित भारत जापान फ्रेंडशिप ब्रिज के निर्माण की रूपरेखा उनके समय में ही बनी और नोएडा टोल ब्रिज का निर्माण भी उन्हीं की परिकल्पना की देन है जिससे प्रतिदिन लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं। संभवतः किसान परिवार से ताल्लुक रखने के कारण ही डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के दिल में किसानों, कामगारों और गरीबों के प्रति हमदर्दी का भाव था। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस हमदर्दी को उनके लिए किए जाने वाले कामों में बदला। उन्होंने आउटर दिल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले कामगारों और गरीब जनता के लिए सुरक्षित छत का इंतजाम कराया। उनके प्रयासों के कारण ही 1200 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज नियमित की गईं। जैसे जैसे वो काम करते गए उनकी काम करने की भूख और बढ़ती गई। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के व्यक्तित्व की एक और खासियत थी, वो सत्ता में रहे या न रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रति उनका रवैया हमेशा सहयोग का रहा। शायद वो सोचते थे कि गैर सरकारी संगठन ही दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जन जागृति फैलाने और जनता को शिक्षित करने की दिशा में बेहतरीन काम कर सकते हैं। अपनी इसी सोच के तहत उन्होंने 1995 में एक गैर सरकारी संगठन फोरसाइट टेक का शिलान्यास किया। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा और फोरसाइट का पिछले 12 वर्षों से रिश्ता लगातार बना रहा। जिस वक्त एफटेक परिकल्पना की गई उस समय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। जब फोरसाइट का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गया तो उनका पहला सवाल था, गांव तक सूचना तकनीक कैसे पहुंचे, अर्थात गांव तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचे। उनकी इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए एफटेक ने अपने 5 केंद्र ऐसे क्षेत्रों में खोले जिनके आसपास ग्रामीण आबादी की अधिकता थी। ये सेंटर विकासपुरी, रोहिणी, खानपुर और मयूर